हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं आपका मास्क का दोस्त सौरभ गुप्ता लेकर आया हूं मास्क के कुछ नए फंडे आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी एक्सपर्ट। दोस्तों पिछली क्लास में हमने देखा ट्रिग्नोमेट्रिक में बेसिक आइडेंटिटीज के नियम को, जिसमें हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जैसे नियमों से किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं इनका हमने डिटेल डिस्कशन किया, जिसके हमने आपको पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल द स्टडी एक्सपर्ट प्रोवाइड कर ली है। दोस्तों ये हमारे कुछ प्लेटफॉर्म है, फेसबुक का ये हमारा पेज है, ये हमारा इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, इन चारों प्लेटफॉर्म पर, यहाँ तक कि हम ट्विटर पर भी आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। तो अलग अलग सोशल मीडिया पर भी हमें फॉलो करिए, साथ ही साथ हमारे इस चैनल द स्टडी एक्स को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक और नीचे कमेंट जरूर करिएगा, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करना है। दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री की पांचवी क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं साइड एंगल रिलेशन। जी हाँ, दुनिया का कोई भी त्रिभुज हो, जब आप ज्योमेट्री पढ़ते हो तो आप वहां बताते हो कि अगर किसी त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हैं तो उसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी। यहां पर आप ये भी बताते हो कि बड़े कोण के सामने वाली भुजा बड़ी होती है, छोटे कोण के सामने वाली भुजा छोटी होती है। तो कहीं ना कहीं ट्रायंगल के एंगल और उसकी साइड के बीच में कोई ना कोई रिलेशन होता है, इसीलिए हम लोग पढ़ने वाले हैं साइड एंगल रिलेशन। जी हां, हिंदी की अगर हम बात करेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं भुजा कोण संबंध। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हो, कोण ए के सामने वाली भुजा को हम ए मान लेते हैं, बी के सामने वाली बी, और सी के सामने वाली को हम सी मान लेते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात उनके सामने वाली कोणों की ज्या का मतलब होता है साइन। जी हां, साइन के अनुपात के बराबर होता है, अब मत भूलिएगा। यानी कि ए अनुपात बी, जहां पर ए बी सी त्रिभुज की क्रमशः क्या है, भुजाएं हैं, और ए बी सी उसके कोण हो गए, या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ए अपॉन साइन ए बराबर B अपॉन साइन B बराबर C अपॉन साइन C। इस पर दोस्तों आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, जितना भी पढ़ाऊंगा एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा जो आपके मतलब का ना हो। मैं यहां पर अपनी नॉलेज को प्रदर्शित करने के लिए आपके पास नहीं आया हूं, मैं आपको बताने आ रहा हूं कि एसएससी जैसे एग्जाम को कैसे क्रैक किया जाता है। इसमें लिए मैं आपको यहां पर क्वेश्चन लगाने का तरीका भी बता रहा हूं और क्वेश्चन बनाने का भी तरीका बता रहा हूं। तो दोस्तों इस पर बेस्ड मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूं, जो क्वेश्चन एसएससी में भी शायद एक बार आया है। क्वेश्चन क्या है कि द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 1:2:3, What is the ratio of its side? जी हां, एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात क्रमशः 1, 2 और 3 है, तो इस त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात क्या हो? तो दोस्तों भुजाओं का अनुपात जो अभी मैंने आपको बताया, आपने खुद बताया कि ए बी और सी होगा हमारा साइन ए साइन बी और साइन सी, ये आप लोगों ने अभी खुद ही बताया। तो दोस्तों देखिए त्रिभुज के तीन कोण, तो
वन प्लस टू प्लस थ्री त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, तो 6 बराबर 180, 1 बराबर 30, 2 बराबर 60 और 3 बराबर आपका इसी तरह हो जाएगा 90। बताइए, यानी कि उस त्रिभुज के तीन कोण क्रमशः 30, 60 और 90 डिग्री है। तो दोस्तों यही मान हम यहां पर रख दें तो साइन 30 रेशियो साइन 60 रेशियो साइन 90। तो साइन 30 आपका 1/2 होता है, रूट 3/2 होता है साइन 60 और ये 1, यानी कि आपकी त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात क्रमशः 1:√3:√2 है। ये था दोस्तों पता करना कि अगर त्रिभुज के कोणों के बीच का संबंध दिया गया है तो उसकी भुजाओं के बीच में संबंध क्या होगा, यानी कि अगर कोणों के बीच में अनुपात 1:2:3 का है तो उसकी भुजाओं के बीच में अनुपात 1:√3:2 का होगा। बढ़ेंगे दोस्तों साइड एंगल्स रिलेशन के आपके दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरे क्वेश्चंस में भी थोड़ा सा ही रिलेशन दिया गया है और दोस्तों आपको बता दूं कि जब पहली बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया तो कई सारे स्टूडेंट ने बोला कि सर ये क्वेश्चन तो गलत था। हमने भी कहा ठीक है गलत था, बट एसएससी ने क्वेश्चन को ऐसा फ्रेम कर दिया कि आपको बोलना पड़ेगा कि नहीं सर ये क्वेश्चन लग सकता था। सवाल क्या था, इन अ ट्राइंगल एबीसी साइन ए इज इक्वल टू 4/3, हालांकि मैं खुद कहता हूं कि साइन का मान कभी एक से ज्यादा नहीं हो सकता, एंड ए इज इक्वल टू 4 ये भुजा, बी 3, देन साइन बी का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जिस पर मुझे याद आ रहा है कि अगर ये बात मैं बात करूं तो शायद एसएससी सीजीएल 2012 के समय की है। क्वेश्चन उठना लाजमी था बट ये सवाल ऐसा था जिसका आंसर आ सकता था। क्यों? क्योंकि हमको मालूम है ए अपॉन साइन ए बराबर बी अपॉन साइन बी, जहां ए की जगह पर हम 4 रख देंगे, साइन ए की जगह पर जब हम 4/3 रखेंगे, बी की जगह 3 और ये आया साइन बी। 4 से 4 कट गया, ये 3 ऊपर जाएगा तो ये 3 कट जाएगा, साइन बी बराबर आएगा 1 जो होता है साइन 90, साइन साइन कट गया यानी कि कोण बी बराबर आपका 90 डिग्री। तो आपसे यहां पर कोण बी भी पूछा जा सकता था और साइन बी भी पूछा जा सकता था, इन दोनों का आंसर आप बता दोगे, रिलेशन आपका वही भुजा कोण संबंध से। तो दोस्तों ये तो बात थी हमारे ट्राइंगल्स के, लेकिन एसएससी में कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जिनका आपस में कोई रिलेशन नहीं होता है बट वो क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं और हर बार आ रहे हैं। तो दोस्तों देखेंगे हम एसएससी के कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस को भी अभी आपके। दोस्तों स्पेसिफिक क्वेश्चन की कैटेगरी में मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ एक्स प्लस 1/x इक्वल टू 2cos थीटा देन x² + 1/x² बराबर कितना, या x³ + 1/x³ इक्वल टू कितना। दोस्तों ये कुछ वो कैटेगरी है जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस में हम अलजेब्रा के क्वेश्चंस को भी ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको यहां पर बताना है कि अगर x + 1/x = 2cos थीटा है तो x² + 1/x² बराबर क्या होगा, या x³ + 1/x³ बराबर। तो दोस्तों जैसा आप सब जानते हो स्क्वायर निकालना है तो हम यहां पर दोनों तरफ क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। क्यूब निकालना होता है तो हम दोनों तरफ क्या करते हैं, क्यूब कर देते हैं। लेकिन आज हम ये सब कुछ नहीं करेंगे क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं इस क्वेश्चन को करने का सबसे सटीक मेथड। आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, ये सवाल जब कभी भी आएगा ऐसा ही आएगा। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन जैसे दिखते हैं जैसा मैं करा रहा हूं पेपर में भी ऐसे ही आएंगे। तो यहां देखिए x की पावर 1,
यहां पर भी एक्स की पावर कितनी है, 1। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां थीटा के साथ भी आप देखोगे क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। अब क्या है, यहां पर 2 है, यहां पर 2 है, तो बस यहां पर आप कुछ मत करिए, आंसर बता दीजिए 2 cos 2 थीटा। नहीं समझ में आया, देखिए इफ x प्लस 1 अपॉन x बराबर 2 cos थीटा, तो क्यूब जहां पर है आपको कुछ नहीं करना है, यहां पर लीजिए 3 थीटा। कहने का मतलब है कि x की पावर n प्लस 1 अपॉन x की पावर n पूछा जाएगा तो आपको बताना है 2 cos n थीटा। और अगर आपने इंटर में पढ़ा होगा तो यही होती थी हमारी डिमायर थ्योरम। हाँ दोस्तों, इंटर की मार्क्स थी इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा आपको झांकने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही देख सकते हैं कि आपका आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। इसी एलजेब्रा टू ट्रिग्नोमेट्री के सीरीज में हम आपको दिखाते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। दोस्तों देखिएगा क्वेश्चंस किस तरह से बना दिए गए और लोग समझ ही नहीं पाए कि क्वेश्चन कम कर दिए गए, लेकिन एसएससी ने टॉपिक्स, कई सारे टॉपिक्स को मिला करके क्वेश्चन बनाना शुरू कर दिया। जैसे क्वेश्चन दिया गया 10 थीटा + cot थीटा = 2, तो sin³θ + cos³θ = कितना, आपके पास ये क्वेश्चन आया। तो अभी देखिए इस क्वेश्चन में मैंने क्या बताया, जब कभी भी आपको ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा जो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा वो ये आएगा कि यहां पर थीटा का मान, तो जैसे ही देखा जाए 111, यहां पर आपने बता दिया साहब थीटा बराबर 45 डिग्री है, आपने जैसे बोला हमने कहा बस सवाल हो गया। यहां पर साइन 45 का क्यूब कर देंगे, यहां पर कॉस 45 का क्यूब कर देंगे, और ये होता है 1/√2 का क्यूब, और ये होता है 1/√2 का क्यूब। अब देखिए दोनों एक जैसे हैं तो 2 कर लेते हैं, और क्यूब होता है 1/√2, ये कट गया, यानी हमारा आंसर सीधे सीधे 1/√2 आ चुका है। तो दोस्तों मैंने बताया आपको कि पेपर के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं और अप्रोच आपकी मैटर करेगी कि आप उस क्वेश्चन को कैसे लगाओगे। इसी ट्रिग्नोमेट्री कम एलजेब्रा में अभी एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए और है। देखिए दोस्तों, ये हो गया, इसमें देखिए cos θ + sec θ = √3, तो cos³θ + sec³θ = क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी पेपर में आपसे पूछा जा सकता है और कभी भी ये गाज आपके ऊपर गिर सकती है, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए छोटा सा मैं आपको बता दूं कि इफ x + 1/x = √3 होता है तो आप सब बोलते हो कि √3 का क्यूब - √3, और जब आप इसको खोलते हो तो आपको पता चलता है कि यहां पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। एलजेब्रा के पोर्शन में है, पढ़ाई होगी तो पूरी बात इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप यहां पर देख लीजिए cos θ और sec θ, ये भी 1/, कहीं ना कहीं क्या है, cos थीटा ही तो है, यानी ये चीज यही तो लिखी गई है कि x + 1/x = √3, तो x³ + 1/x³ = आंख बंद करिएगा, 0 लगाइएगा और उसके बाद में मैथ के अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाइएगा। आसान कॉन्सेप्ट्स हैं, केवल आपको एक बार प्रैक्टिस करने भर की जरूरत है, आपके सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से लग जाएंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि √2 + √2 + √2 + 2 cos 8θ = ? आप बताइए क्या आंसर हो सकता है। तो दोस्तों इसको करने का तरीका तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि हमारी जस्ट अगली क्लास में हम आपको इसका फॉर्मूला बताने वाले हैं, जो होता है
कॉस टू थीटा बराबर, आप लोग सब जानते हो, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो जैसे ही आप कॉस एट थीटा लोगे तो यहां पर लिखोगे कॉस टू इंटू फोर थीटा बराबर, ये आएगा टू कॉस स्क्वायर फोर थीटा माइनस वन। तो यहां पर जब आप लिखोगे टू कॉस के पावर फोर थीटा, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, केवल यहां पर दिखा भर रहा हूं, इस दो से अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आएगा फोर कॉस की पावर फोर थीटा और माइनस टू। भाई ये वाला दो इसके साथ मल्टीप्लाई होके चार दे देगा, इसके साथ दो, ये दो दो कट जाएगा और ये रूट इतना आपका खत्म होकर के आ जाएगा टू। अच्छा ये स्क्वायर है तो स्क्वायर ही रहेगा, टू कॉस फोर थीटा। देखिए समझिएगा, यानी कि हमारा इतना जो रूट खत्म हुआ उसके जगह पर हमारे पास आ गया टू कॉस फोर थीटा, यानी चेंजेस इस रूट को खत्म किया। देखिएगा एक रूट को खत्म होने पर हमारा थीटा आधा हो गया, बाकी आंसर इसमें ही आने वाला है, यानी ये हमारा आएगा टू कॉस एट थीटा। हम यहां पर लिख लेते हैं, अब समझिएगा, आपने एक एट थीटा हटाया, एक खत्म हो गया, बचा कितना फोर थीटा, आगे रूट है, एक बार फिर करेंगे तो आधा हो जाएगा, एक और रूट खत्म हो जाएगा। आप वही फॉलो करोगे बट पेपर में आप इस तरह पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हो, इसीलिए उसके बाद एक और रूट है, हमने कहा फिर से इसको आधा कर दीजिए, आखिरी में क्या बचा, जो थीटा बचा यहां पर लगा दीजिएगा, आपका आंसर पूरी तरह से सही हो जाएगा। ये सवाल हमारा कुछ और भी मेथड से आ सकता है, जरा देख लेते हैं। अब देखिए अगर आपके पास यहां पर ये आ जाए टू प्लस टू प्लस टू प्लस, एक रूट और बढ़ जाए मान लीजिए, प्लस टू कॉस सिक्सटीन थीटा, मान लीजिए आपके पास ये भी आ गया, अब आपसे पूछा गया कि इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों देखिए मैंने अभी आपको बता दिया कि अगर ये सवाल है तो आंसर तो टू कॉस, बस आपको यहां पर थीटा फिल करना है। थीटा कैसे फिल करना है, ये जो भी थीटा दिया गया है यहां पर ऊपर उतार लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इसको पहले दो से डिवाइड कर दीजिए और दो से डिवाइड करके आपका एक रूट खत्म हो गया, आप फिर से इसे डिवाइड कर दीजिए आपका दूसरा खत्म हो गया, इसके बाद फिर आप दो से डिवाइड कर दीजिए आपका तीसरा खत्म हो गया, और फिर आप दो से डिवाइड कर देंगे तो आपका लास्ट भी खत्म हो जाएगा, यानी आखिरी में जो आपको मिलेगा वो मिलेगा आपके पास केवल थीटा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको जब अंदर चेंजेस क्या होंगे, चेंजेस हो सकते हैं यहां पर सिक्सटीन थीटा की जगह कोई और वैल्यू हो, हो सकता है कि यहां पर जो आपके पास रूट्स हैं उन रूट में नंबर चेंज हो जाए, बट आंसर आपका ऐसे ही टू कॉस करके आपको क्या करना है, केवल थीटा को आधा करते जाना है, स्क्वायर रूट को डिवाइड करते चले जाना है और आपका आंसर मिल जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री के इन क्वेश्चंस को बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। अब हम बढ़ रहे हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ जो आपसे मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स पूछे गए हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले इंपॉर्टेंट पोर्शन की तरफ। तो दोस्तों वो जो सबसे जरूरी क्वेश्चन, मतलब मैंने जो बताया आपको, आ रहा है एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिससे एसएससी हर बार, जी हां एसएससी लगभग लगभग हर बार इस कॉन्सेप्ट से सवाल पूछती ही पूछती है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि सर ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं जो हर बार एसएससी में आता है। तो दोस्तों बहुत ज्यादा आपको इंतजार नहीं कराऊंगा, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्वेश्चन कुछ ऐसा होता है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा इजिकल टू कितना होगा। जी हां ऐसा और ऐसे कॉन्सेप्ट पर एसएससी ने बहुत बार सवाल पूछे हैं। तो दोस्तों इस सवाल को अगर हम बेसिक मेथड से बात करेंगे तो दोनों तरफ स्क्वायर करके सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन यहां पर हम आपको बेसिक मेथड नहीं बताने वाले हैं, हम आपको बताने वाले हैं सीधा सीधा इन क्वेश्चन का आंसर कैसे निकाला जाएगा। तो दोस्तों देखिएगा
ऐसे क्वेश्चन का पहला कॉन्सेप्ट आपको जो ध्यान देना है वो ये देना है कि जो साइन के साथ पहले क्या है, देखिए ए है, यही ए क्वेश्चन में कहां किसके साथ पहुंच गया, कॉस के साथ पहुंच गया। उसी तरह बी देखिए क्वेश्चन में कॉस के साथ है, फिर बाद में जो पूछा गया है वहां साइन के साथ आ गया, सवाल आपका प्लस में था क्वेश्चन आपका माइनस में आ गया। तो दोस्तों कहना यह है कि जब ये प्लस से माइनस और कोफिशिएंट इंटरचेंज हो जाए तो आप यहां पर आंख बंद करके इसका आंसर बताइएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। बस दोस्तों आपको इतनी चीज याद रखनी है, आपका सवाल अपने आप सॉल्व हो जाएगा। अब ऐसा सबसे पहली बार जब क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों तो ऐसा ही आया था, इसके बाद इसी कॉन्सेप्ट पर उन्होंने न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन भी आपसे पूछे हैं। वो क्वेश्चन भी देखिए, वो क्वेश्चन हमारा जो आया था वो था 3 sin theta प्लस 5 cos theta इज इक्वल टू 5। ऐसा ही एक सवाल मैंने आपको इससे पहले भी बताया है, लेकिन वहां पर 3, 4, 5 राइट एंगल ट्राइंगल होता था। ये मेरे पिछले ही वीडियो में आपको बताया गया है, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दिया गया है। इनफैक्ट पूरी की पूरी प्लेलिस्ट दी गई है जहां पर हमारे प्रीवियस ट्रिग्नोमेट्री के सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, और साथ ही साथ वहीं पर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया गया है जहां से आपको सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा। तो दोस्तों देर मत करें, अभी हमारे टेलीग्राम चैनल द स्टडी एक्स को ज्वाइन जरूर करें। अब देखिए दोस्तों सवाल यह आएगा, 3 sin theta + 5 cos theta = 5, देन 5 sin theta - 3 cos theta = क्वेश्चन मार्क। अब देखिए दोस्तों आपको यहां पर जो पहचानना है वो क्या पहचानना है, 3 जो पहले साइन के साथ था बाद में किसके साथ आ गया, कॉस के साथ आ गया, और ये 5 जो पहले कॉस के साथ था अब किसके साथ आ गया, साइन के साथ आ गया। क्वेश्चन प्लस में था, पूछा माइनस में गया है, यानी कि सीधे सीधे हमारा कॉन्सेप्ट ये वाला यहां पर अप्लाई हो जाएगा। तो दोस्तों ए की जगह पर 3 हो गया, बी की जगह पर 5 हो गया, और सी की जगह पर क्या लिखा हुआ है वहां पर भी 5 हो गया। अब हम लगाएंगे प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो जब आप इसको अप्लाई करोगे तो आप यहां करोगे क्या, 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, बिल्कुल सही, ये दोनों आपके कट जाएंगे। तो सीधे सीधे जो आपको आंसर मिलने वाला है वो है प्लस माइनस 3। जी हाँ दोस्तों, दिस इज द राइट आंसर, और ये क्वेश्चन भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया है। दोस्तों आपको मैंने बताया था बेकार का कुछ भी नहीं बताऊंगा, अगर एक छोटा सा भी क्वेश्चन आपको मैंने बताया है तो कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन का कोई मतलब होगा, इसलिए ध्यान दीजिए, अपने नोट्स को अपडेट करते रहिए। मैंने पहले भी बताया था कि अगर आप लोगों ने इससे पहले भी क्लासेस करी हुई हैं, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, तो अभी आपको कुछ नहीं करना है, केवल अपने पुराने नोट्स को उठाइए और लेक्चर बाय लेक्चर अपने नोट्स को चेक करते जाइए, और जहां पर आपको लगे कि नहीं सर ये तो एक नया कॉन्सेप्ट है जो आपने बताया है, उसे अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए, और फिर जब हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का वहां पर यही सारे कॉन्सेप्ट काम आने वाले हैं। और जल्द ही अब आपको PDF भी मिलना शुरू हो चुकी है। जी हाँ, हम आपको दे रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की पूरी PDF, और अगर आप यहां पर नए हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस PDF का एक भी पैसा आपसे नहीं लिया जा रहा है, यहां पर जितना भी आपको दिया जा रहा है सब फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। तो दोस्तों एक तो सवाल हमारा ये हो गया, ऐसे भी आएगा, ऐसा भी आया, और इसी में हमारे और भी सवाल आते हैं, चलिए देखते हैं वो कैसे होते हैं। तो दोस्तों वो सवाल हमारे कैसे होंगे जरा देखिएगा, सेम कॉन्सेप्ट पर आएगा, क्वेश्चन होगा sin theta + cos theta = √2 cos theta, ये आया, और आपसे पूछा गया sin theta - cos theta = ? अब आप कहेंगे सर इसमें तो कोफिशियंट नहीं है,
अब हम कोफिशिएंट को कंपेयर कैसे करेंगे? तो दोस्तों कोफिशिएंट नहीं है, लेकिन हम उस कोफिशिएंट को कंपेयर कैसे करेंगे, जरा देखिए। यहां पर वन मान सकते हो, यहां पर भी वन है, नीचे भी देखिए, जब कुछ नहीं है तो वन तो अपने आप मल्टीप्लाई में मान लिया जाएगा। कहने का मतलब है ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, और ये पूरा का पूरा हमारा क्या हो गया, सी हो गया। अब ना मानना हो तो मान लो ये बी हो गया, ये हो गया, प्लस से माइनस पूछा गया है, कोफिशिएंट इंटरचेंज है, आंख बंद करके प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, कितना आसान है, लगा देते हैं। आंख बंद किया, प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस रूट टू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये काम की चीज है भाई, ये देखने वाली चीज होगी क्या होगा यहां पर। तो ये प्लस माइनस अंडर रूट एक प्लस एक माइनस टू कॉस स्क्वायर थीटा, और अगर आप लोग ध्यान दोगे तो यहां पर हो जाएगा टू और टू बाहर ले लेंगे तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा, बाहर निकाला आया साइन थीटा, ये रहा आपका आंसर। जी हाँ, और अगर यही सवाल आपका पेपर में आ जाता है तो आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान रखना है मेरी ये बात कि सवाल अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर रूट टू कॉस थीटा है तो साइन थीटा माइनस साइन थीटा बराबर आपका आंसर होगा रूट टू साइन थीटा। जी हां, और अगर सवाल में यहां साइन थीटा होगा तो आंसर में आपके कॉस थीटा हो जाएगा। यानी इस चीज को आपको गांठ बांध लेनी है, पेपर में कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये वाला कॉन्सेप्ट गलत नहीं होगा। क्या करना है, कॉस थीटा साइन थीटा कर लेंगे, अच्छे से कर लेंगे, समझ में आ जाएगा। लेकिन 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 यहीं पर एसएससी आपके साथ खेल खेल गई। एसएससी देखिए क्या करती, लोग कहते हैं हर बार नया क्वेश्चन, क्वेश्चन नया नहीं होता, क्वेश्चन पुराना होता है, एसएससी थोड़ा सा क्वेश्चन को मॉडिफाई कर देती है। अब ये वाला क्वेश्चन भी बाद में आया, और आप यकीन नहीं मानोगे इतना बताने के बाद में भी 70-80% लोगों का ये सवाल एसएससी में गलत हो गया। अब वो गलत कैसे हो गया मैं आपको दिखाता हूं, और आप लोग भी अभी समझ जाओगे कि हां गलत कैसे हुआ था। ये सब यही था सवाल पूछा गया था, यहां पर भी यही पूछा गया था, बस जो आप जानते हो जो चेंज था, ये पूछा यही गया था, यहां लिखा था 90 माइनस थीटा। अब जब हम एग्जाम में क्वेश्चन कर रहे होते हैं ना दोस्त, तो इतना ज्यादा फास्ट हमारा दिमाग भाग रहा होता है, वो जहां भी आपको लगता है कि यार ये आंसर आ जाएगा, आप आंसर लगा के बढ़ जाते हो, वो तो बाद में जब घर आते हो तो अरे यार सवाल तो ऐसा था। वही चीज आपको नहीं करना, जरा ध्यान दीजिएगा। जब हमने बोल दिया कि भैया अगर यहां कॉस होगा तो नीचे साइन आएगा, लोगों ने इतना ही देखा रूट टू कॉस, आगे देख भाई नहीं किया कि 90 माइनस थीटा लगा हुआ है भाई। और जब 90 माइनस थीटा एक्चुअली में कॉस 90 माइनस थीटा की अगर हम बात करें तो एग्जैक्टली आपका जो सवाल था भाई, वो सवाल था साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर अंडर रूट टू साइन थीटा। जी हां, ये 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा हो गया ना। कहने का मतलब है कि हमारा जो सवाल था वो साइन थीटा में था, और जब सवाल साइन थीटा में था तो मुझे लगता नहीं कि आपको बताना है कि जवाब आपका अंडर रूट टू कॉस थीटा हो जाना चाहिए था। जी हां, और कई सारे बच्चों ने, मैं ये नहीं कहूंगा कि उनसे उनको नहीं आता था, बस उन्होंने क्या किया, इस कॉस के साथ आगे का 90 माइनस थीटा देखने की चूक हो गई, और हुआ क्या, हुआ ये कि दो नंबर तो नहीं मिले और आधा नंबर चला गया, यानी शुद्ध घाटा, नेट लॉस उनको 2.5 मार्क्स का हो गया, और एक ऐसे सवाल से जहां पर आप खुद समझ सकते हो। तो दोस्तों बहुत ज्यादा जल्दबाजी एग्जाम में नहीं करनी है, बड़े ही शांत मन से पेपर दीजिए। कई बार लोग अपना एग्जाम दे रहे होते हैं, पड़ोसी सोचते हैं यार वो तो गया होगा पेपर, वो तो उड़ा रहा होगा, उसने तो 100 में से 95 कर दिए होंगे, हमारे तो अभी 65 ही हुए, हमारे तो अभी 70 हुए। तो भैया वो जो एक घंटा है ना 60 मिनट, वो आपका अपने लिए है, वो आपके पड़ोसी के सोचने के लिए नहीं है कि वो उसमें क्या कर रहा होगा। अगर आप एक घंटा भी अपने बारे में नहीं सोच सकते हो तो आप जॉब को सोचना छोड़ दो। जब कभी भी आप एग्जाम देने चाहिए, आपके दिमाग से ये बात बिल्कुल नहीं आनी चाहिए
कि आपके पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार, नातेदार क्या कहते हैं, या आपका दोस्त, भाई या साथ में पढ़ने वाला वो पेपर कैसा कर रहा होगा। पेपर के समय आपको ये सब कुछ नहीं सोचना है। पेपर के समय आपको सोचना है तो ये कि हमारा सवाल गलत ना हो, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें वो भी सही तरीके से। अगर आपके मन में इतना रहेगा ना, तो दोस्तों यकीन मानो आपको एग्जाम क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन आजकल की आपाधापी में आप समझ ही सकते हो कि स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। साथ ही साथ दोस्तों, आज हम अपने इस क्लास के आखिरी कॉन्सेप्ट और आखिरी सवाल पर भी आ चुके हैं। जी हां, इसी से मिलता जुलता अभी सीजीएल 2019 प्रीलिम्स में भी सवाल पूछा गया है, और आप देखोगे पता चलेगा अरे ये तो बहुत आसान सवाल था। तो दोस्तों अभी बढ़ते हैं आज के अपने सेकंड लास्ट, ये सेकंड लास्ट करते हैं और उसके बाद हम पहुंचेंगे अपने लास्ट सवाल की ओर। तो दोस्तों हमारा सवाल क्या था, 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 4, ये सवाल था शायद। जी हां, 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 4, जहां पर आपका थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में था, और आपसे कहा गया था कि भैया 10 थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क है, यानी कि आप हमको 10 थीटा का मान बताओ। और आपने भी बहुत प्यार से समझिएगा, देखिए इस बार सीजीएल में जो आया है यहां स्क्वायर में केवल कॉस लिखा हुआ है, ये अंतर है। तो ये वाला सवाल भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो अपनी अगली क्लास में, फिलहाल हम इसको देख लेते हैं। यहां पर देखने से पहले मैं आपको केवल इतना बताना चाहूंगा कि हम सब जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, फॉर्मूला बॉक्स 1 जिस पर हमने लास्ट क्लास किया था। तो इसको भी जैसे बनाना है, तो इस 7 को हम तोड़ेंगे, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा, और ये वाला हमारा 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4। अब दोस्तों देखिए, यहां से हमने 4 को चारों 3 में तोड़ लिया, उसके बाद ये 3 आप क्या कर लोगे, कॉमन कर लोगे। जैसे ही कॉमन कर लोगे, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो हमारा सिंपल सा कहने का मतलब है कि ये 3 एकम 3 जो उधर जाएगा वो 4 माइनस 3 यानी 1 हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर आपको पता चलेगा अरे ये तो 1/2 आ रहा है। वैसे प्लस माइनस 1/2 आएगा, लेकिन थीटा क्योंकि 90 से पहले ही है तो माइनस का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि 0 से 90 डिग्री में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो माइनस में नहीं होता है। उसी तरह अब आपको यहां पता चल गया कि भैया थीटा बराबर तो 30 डिग्री था, और जैसे ही हमने कहा थीटा बराबर 30 डिग्री, आपने तुरंत कहा सर 10 थीटा यानी 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो देखिए दोस्तों, पेपर में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सवाल नहीं आते हैं, ये मैं अभी नहीं कई बार और बार बार बोल चुका हूं। पेपर को सीक्वेंस तरीके से करिए, पहली बार में केवल उन्हीं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए जिसके लिए आप कॉन्फिडेंट एनफ हो, दूसरी बार में जिसे थोड़ा सा है, थोड़ा सा लगता है कि करेंगे तो हो जाएगा, और तीसरी बार में आप तुक्के जैसे शब्द पर आइएगा, नहीं तो तुक्का नहीं मारना है ना, एसएससी में तुक्का नहीं चलता है। तो दोस्तों इस तरह से अब हम आ गए हैं आज के अपने आखिरी लास्ट बट नॉट लीस्ट, और इस तरह से आता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर 5 का आज का आखिरी सवाल। तो दोस्तों सवाल क्या है, इफ 10 2 थीटा प्लस 45 डिग्री बराबर कॉट थीटा, वेयर जहां 2 थीटा एंड थीटा आर अक्यूट एंगल्स। जी हां, जहां पर ये दोनों क्या है, न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब क्या होता है, द एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री। तो आपसे पूछा गया है कि भैया थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क। तो आपको बताएं, इस तरह का सवाल
हमेशा कन्वर्जन ऑफ एंगल में जो मैंने आपको बताया था, जहां वो एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे थे, जैसे कौन टेन कॉट में कन्वर्ट हो रहा था, साइन कॉस में कन्वर्ट हो रहे थे, सेक कॉसेक में कन्वर्ट हो रहे थे। तो ये लोग जो आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे थे, उन्हीं पर हमारे सवाल आएंगे। तो यहां देखिए टेन और थीटा को हम यहां पर अगर हम देखें इस जगह को, तो आप सीधे सीधे इसको क्या लिख सकते हो, जरा ध्यान दीजिएगा भैया, ब्लू पेन से लिख रहा हूं जिसमें आप अंतर समझ पाए। टेन टू थीटा प्लस 45 बराबर टेन 90 माइनस थीटा। जी हां, यहां पर 90 माइनस थीटा इसलिए लिखा गया है क्योंकि टेन 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। अब 10 और 10 बाइज्यत बरी हो गए, और फिर अगर हमने देखा तो मिला हमें 2 थीटा प्लस 45 डिग्री बराबर 90 माइनस थीटा। ये थीटा इधर कर दो तो 3 थीटा, उधर कर दो तो 45। तो एक बच्चा भी बताएगा कि सर थीटा बराबर मिला है हमें 15 डिग्री। जी हां दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट पर बहुत ज्यादा सवाल आ चुके हैं, आगे आने वाले भी हैं, तो गार्ड बांध लीजिए। आज की पांचवी क्लास है, इन पांच क्लासेस में अगर आपसे पेपर में कोई भी सवाल पूछा जाए तो कसम है आपको एक भी सवाल नहीं छूटना चाहिए, और अगर आपका एक सवाल भी छूट गया तो वो मेरी मेहनत के लिए इंसाफ नहीं होगा। दोस्तों जितनी मेहनत मैं यहां पर कर रहा हूं, अगर उससे आपने आधी मेहनत भी अपने घर में अपने कॉपी पर कर ली, तो यकीन मानिए टेक्नोमेट्री के आप खुद टीचर बन जाओगे। जी हां, 18 के 18 लेक्चर कराऊंगा टेक्नोमेट्री में, और अगर 18 के 18 आपने नोट्स कर लिए, आपने याद कर लिए, तो कहीं भी खड़े हो जाना, पढ़ा देना टेक्नोमेट्री, कोई आपका हाथ नहीं पकड़ पाएगा, इसका दावा मैं करता हूं आपसे। तो दोस्तों ये था हमारा टेक्नोमेट्री लेक्चर 5 आज का। अगली क्लास कल रात 10 बजे हम पढ़ाने वाले हैं आपको टेक्नोमेट्रिक सीरीज, वो भी एक नए अंदाज में। तो दोस्तों मिलते हैं कल रात 10 बजे आपके इसी चैनल द स्टडी एक्सपर्ट। तब तक दोस्तों भूलिएगा नहीं, वीडियो को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं कल रात 10 बजे, तब तक के लिए जय हिंद।